कि जनाब आप लोग जिनको पसंद करते हैं, जिनसे मिलना चाहते हैं, जिनसे बात करना चाहते हैं, उनको हम बुला लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है, इस बहाने से मेरी मेरे दोस्तों से मुलाकात होती है। वैसे तो लाइफ इज सो बिजी, यू नो, वी डोंट गेट अ चांस टू मीट, वी डोंट गेट अ चांस टू टॉक, लेकिन ये एक दो घंटे हमारे एक दो घंटे होते हैं। वैसे आप तो 40-45 मिनट देखते हैं, लेकिन ये एक दो घंटे बड़े मज़े गुजरते हैं, थोड़ा बहुत एडिट वेडिट करके आपको दिखाते हैं ना शो। अच्छा जनाब, ये जो दो लोग आ रहे हैं हमारे पास आज, बड़े स्पेशल हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इनसे, क्योंकि मेरी पर्सनली बहुत अच्छी दोस्ती है, मुलाकात है बहुत ज़्यादा, और इतनी पॉजिटिव वाइब माशाल्लाह दोनों से आती है कि मैंने बहुत कम ऐसे कपल देखे जिनसे इतनी पॉजिटिव वाइब आती हो। आप जब मिलें हंस रहे होते हैं, आप जहाँ मिलें प्यार से मिलते हैं, आप जब इनसे बात करें, जब मुलाकात करें, देर ऑलवेज चिलिंग आउट, देर ऑलवेज हैप्पी, एंड दे लुक सो ग्रेट टुगेदर। अच्छा जनाब, इनका नाम तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन उससे पहले एक पैकेज देख लेते हैं। जी जनाब, आपने देख लिया, वो कहते हैं ना मेड फॉर ईच अदर, तो मुझे तो इन दोनों को देख के लगता है मेड फॉर ईच अदर, और आज तो ये वाकई लग रहे हैं कि मेड फॉर ईच अदर हैं। प्लीज वेलकम सुनीता मार्शल एंड हसन। How are you? So good to see you. Assalamualaikum. Kaise ho sir? Please have a seat. So good to have you guys. I think बड़े अरसे बाद इस बहाने से मुलाकात हो रही है हमारी किसी शो वो में, वरना Thank you for inviting us. नहीं, why not? I had to. Sunita तो जनाब, एक तो she's been a super model. Obviously she still is. She's as gorgeous as ever. हसन प्रॉब्लम तो नहीं, तारीफ करो तेरी बीवी, तारीफ इसलिए करो कि वो मतलब बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो ये ना कि शी इज पब्लिक प्रॉपर्टी आल्सो ना यार, बिकॉज़ शी इज इन शोबिज, तो वी हैव टू प्रेज हर बिकॉज़ शी इज वर्थ। मैंने उस पब्लिक प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, नहीं मैंने अडॉप्ट कर लिया इस बात पे कि लोग कहेंगे कब्जा कर लिया पब्लिक प्रॉपर्टी पे। अच्छा, तो सुनीता हमेशा हमारी टॉप मॉडल, तो सुनीता बहुत अच्छी, यू आर अ वंडरफुल मॉडल, बट एक वक्त आया जब एक्टिंग में सुनीता हर ड्रामे में नजर आई थी। हाँ, छा गई बोल रही, हर ड्रामे में सुनीता तो, और एक्टिंग भी बहुत अच्छी माशाल्लाह। अच्छा, फिर शादी भी ऑब्वियसली होगी। हसन जो है वो लेटर ऑन आया इस फील्ड में, हसन को लाने में डिड यू ब्रिंग हिम? मेरा कोई हाथ नहीं था। वाकई मेरा कोई हाथ नहीं था, ये हसन का अपना डिसीजन था, और कहीं ना कहीं तो हाथ होगा। मैं नहीं हसन, हाँ नहीं हाथ तो है ना, है ना, थोड़ा सा हाथ तो इसमें क्या है। देखो यार, मुझे ये बात आजकल बड़ी अच्छी लगती है, जैसे मैं असद और जारा का एक चंक देखा था, उसमें असद ने बोला कि जारा सपोर्ट्स मी इन अ सर्टेन वे, एंड देन इन होम यू सपोर्ट हर, बट बिकॉज मैंने इसके साथ काम किया हुआ हसन साहब, मुझे पता है ये सुपर टैलेंटेड आदमी है। इसने एक नेगेटिव रोल किया था, इसने चीखे मार मार के ना हम सबको पागल कर दिया, मजे का कैरेक्टर किया था। सो कितनी सपोर्ट रही सुनीता की फील्ड में आने के लिए, नहीं रही बिल्कुल भी? नहीं नहीं रही है, ऑब्वियसली सपोर्ट तो रही है, बिकॉज ये फील्ड ऐसी है इसमें अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट ना करें तो बहुत मुश्किल हो जाती हैं कुछ चीजें। बट हाउ डिड यू कम इन द फील्ड, बिकॉज़ यू वर डूइंग समथिंग एल्स ना? आई वाज वर्किंग इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और उसके बाद हुआ ये कि एक्चुअली जो प्रॉब्लम मुझे होती थी वो ये होती थी कि आई थिंक कहना चाहिए कि मर्दों का जो कॉन्सेप्ट होता है ना इस फील्ड की खवातीन के बारे में, बिफोर दे एक्चुअली सी के हो क्या है, हमारे हमें एजुकेट नहीं किया जाता। हम समझते हैं कि ये लोग बस सारा वक्त आई एम सॉरी टू से ये मेरा नहीं नहीं बस इनका बेड़ा गरक है, ये समझते हैं कि ये बुरे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं, और बहुत सारा वक्त पार्टियां करते रहते हैं, ये होता है वो होता है। सो आई एक्चुअली वांटेड टू, मेरा जो मेन मकसद था इस फील्ड में आने का कि मैं एक्चुअली आके देखूं हाउ इट हैपेंस। जी What नहीं happens? ये झूठ बोल रहा है, इसका मकसद पता क्या था? यहाँ तो पार्टियां होती हैं, मैं भी पार्टी करूंगा, ये इसलिए आया था। मतलब उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, पार्टी छुड़वा दी। एक बड़ा मजे का वाकया है कि शी वाज शूटिंग विद साकिब मलिक फॉर अ कमर्शियल, तो मुझे याद है हमारी सुबह बैंकॉक की फ्लाइट थी। अच्छा, और 4 बज गए थे, साकिब बीइंग साकिब, साकिब ने 4 बजा दिए, और मैं लाइक बीइंग अ वेरी पोजेसिव बॉयफ्रेंड या सून टू बी हस्बैंड, मैं बहुत ज्यादा था कि यार ये, और शूट हो रही थी ईस्टर्न स्टूडियोज में। अच्छा, मैं पिक भी करने जाता था, जब मैं गया हूं तो आई लैश्ड आउट एट हर कि क्या मजाक है, किस किस्म की फील्ड है ये, 4 बजे तक काम क्या कर रहे हो यहां पे? हां, नो वी एक्चुअली मिस्ड आवर फ्लाइट, और हमने नेक्स्ट डे की, नो वे, आई वाज, बिकॉज़ साकिब सेड नो यू हैव टू फिनिश द शूट, सो आई वाज रियली, आई वाज रियली पिस्ड। पर मुझे याद है कि जब मैंने साकिब के साथ कमर्शियल किया तो साकिब को ये वाकया पता था, तो साकिब ने मुझे आके बोला कि हाँ भाई, डू यू हैव एनीथिंग टू से नाउ? आई वाज लाइक नो। सो आई एम ग्लैड एक्चुअली फॉर वन आई केम इनटू दिस फील्ड, एक तो टू अंडरस्टैंड सुनीता एंड टू अंडरस्टैंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जो कि बेचारे हम लोग इतनी मेहनत से काम करते हैं और हम अपना खून पसीना एक्चुअली बहाते हैं, जो लोगों को नहीं पता।
लोग समझते हैं पता नहीं कोई बड़े कोई ग्लैमरस आसान फील्ड है, हम एंजॉय कर रहे हैं भाई, वो तो हॉलीवुड और बॉलीवुड में होता है, यहाँ पे ज्यादा मजदूरी है और जरा माल भी कम है, सच्ची जो बात है। आई थिंक मेहनत तो खैर वहाँ पर भी है, हाँ हर जगह है मतलब, लेकिन वो कंपनसेशन होती है ना, पैसा बहुत मिलता है, लोग समझते शायद एक्ट्रेस सारे ही बड़े अमीर है ना, यूजुअली फैसिलिटीज ज्यादा है, फैसिलिटी भी। हाँ तो आई एम ग्लैड आई एक्चुअली केम इनटू दिस फील्ड ताकि मैं लोगों को भी बता सकूं कि नहीं, हम जो काम करते हैं, इफ यू डूइंग अ 12 आवर शिफ्ट, तो वो हम लोग काम कर रहे होते हैं, यू नो, वी आर वर्किंग हार्ड। ये देखे कैसी एक लव स्टोरी है कि बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।